हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन डिजिटल क्लास ऑफ एलबीएस स्कूल। माय डियर फ्रेंड, टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट सेकंड चैप्टर ऑफ सिक्स स्टैंडर्ड सिविक्स, डाइवर्सिटी इन सोसाइटी। ओके, डाइवर्सिटी मींस व्हाट? डाइवर्सिटी मींस विविधता। ओके, सो इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस फोर पॉइंट्स। 2.1, डाइवर्सिटी इज अवर स्ट्रेंथ, हमारी पावर, हमारी शक्ति, विविधता ही हमारी शक्ति है, पावर है। डाइवर्सिटी इज आवर स्ट्रेंथ। सेकेंड, द प्रिंसिपल ऑफ सेक्युलरिज्म। ओके, द प्रिंसिपल ऑफ सेक्युलरिज्म, व्हाट इज सेक्युलरिज्म, वी शैल स्टडी इन दिस पर्टिकुलर पॉइंट। देन द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ सोसाइटी टू आवर डिवेलपमेंट, व्हाट इज कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ सोसाइटी टू आवर डिवेलपमेंट। एंड देन लास्ट पॉइंट, रेगुलेशन ऑफ सोसाइटी। दिस फोर पॉइंट वी आर गोइंग टू डिस्कस, वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर। ओके, सो नाउ लुक, देयर आर मेनी लैंग्वेजेस, रिलीजन्स, कल्चर, कस्टम्स, ट्रेडिशन इन इंडियन सोसाइटी। ओके, देयर आर मेनी लैंग्वेजेस, एवरीबडी वी नो, है ना, बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं हमारे इंडिया में या हमारे समाज में। There are many languages, religions, culture, customs, tradition in Indian society. भारतीय समाज में बहुत सारी अलग अलग भाषाएं बोली जाती है, अलग अलग धर्म के, जाति के, पंथ के लोग यहाँ पर रहते हैं, अलग कल्चर है, उनकी कस्टम है, ट्रेडिशंस है। एंड दिस डाइवर्सिटी इज मार्क ऑफ आवर रिच कल्चरल हेरिटेज। और यही इसका एक क्या है, एक मार्क है, या एक डाइवर्सिटी का एक फीचर हम कहेंगे, कल्चरल हेरिटेज। हमारी जो कल्चरल हेरिटेज वो कितनी संपन्न है, कितनी समृद्ध है। वी लिव अमंग पीपल हु सिर्फ स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस। हम ऐसे समाज में, हम ऐसे लोगों के बीच रहते हैं जैसे कि वो मराठी बोलते हैं, कन्नड़ा बोलते हैं, तेलुगु बोलते हैं, बंगाली बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं, गुजराती बोलते हैं, उर्दू बोलते हैं, है ना। ऐसे जो हिंदी, उर्दू, तेलुगु, तमिल, ऐसी अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोगों के बीच हम रहते हैं, है ना। नेक्स्ट, दे सेलिब्रेट देयर फेस्टिवल्स। एवरीबडी मीन्स एवरी रिलीजन सेलिब्रेट देयर फेस्टिवल, मतलब हर तरह का, अलग अलग जी जाति के, धर्म के लोग यहाँ पर हमारे भारत में रहते हैं, तो हम सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। दे सेलिब्रेट देयर फेस्टिवल एंड कल्चरल इवेंट्स इन डिफरेंट वेज। अभी हम देखते हैं दिवाली हम अलग तरीके से मनाते हैं, दिवाली, उसके बाद क्रिसमस है, रमज़ान ईद है, होली है, तो ये अलग अलग फेस्टिवल अलग अलग कल्चर में अलग अलग तरीके से वो सेलिब्रेट किए जाते हैं। इतना ही है, देयर मोड्स ऑफ वर्शिप। मोड्स ऑफ वर्शिप, हम अलग अलग भगवान की पूजा करते हैं। मुस्लिम जो पीपल है वो क्या करते हैं, वो अपने अल्लाह की इबादत करते हैं। इन द सेम वे जो हिंदू पीपल हैं वो भगवान राम की पूजा करते हैं, महादेव की पूजा करते हैं, कृष्ण की पूजा करते हैं। इन द सेम वे क्रिश्चियन जो लोग हैं जीसस क्राइस्ट की पूजा करते हैं, उनकी प्रे करते हैं। आर आल्सो डिफरेंट, आवर कंट्री कंसिस्ट ऑफ रीजन्स विथ डिफरेंट हिस्टोरिकल लेगेसी। हमारे जो भारत में है कंसिस्ट ऑफ रीजन्स, अलग अलग रीजन्स में अलग अलग हिस्टोरिकल लेगेसी है। ओके, एंड वेयर दिस डाइवर्सिटी शेयर्ड एंड सेलिब्रेटेड एज ऑल दिस डिफरेंट कम्युनिटीज इन आवर कंट्री हैव लिव टुगेदर फॉर मेनी ईयर्स। लेकिन इतने सारे धर्म, इतनी सारी भाषाएं, इतने सारे मजहब होने के बावजूद हम सब एक साथ हैं आज, और वो भी कितने, तकरीबन मतलब 50-60-70 सालों से हम आज भी एक हैं। और फीलिंग ऑफ वननेस हैज डेवलप्ड अमंग देम, और जो एकता की भावना है वो भावना हमें डेवलप हो चुकी है। दिस फीलिंग ऑफ वननेस लीड्स टू यूनिटी इन इंडियन सोसाइटी। और यही ये जो शक्ति है या यूनिटी की जो क्या फीलिंग है, ये हमारे भारतीय समाज को एकता में क्या करती है, वो बांध देती है। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। इन द नेक्स्ट वीडियो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू नेक्स्ट पॉइंट।
of this chapter, diversity is our strength. Okay, thank you. Hello friends, now I'm going to explain you first point of this chapter 2.1. Diversity is our strength. Diversity means vividhata. Vividhata hi hamari shakti hai, taakat hai. To live with different group is to experience coexistence. Coexistence matlab ek saath rehna. Help us to increase the level of understanding. और हम एक साथ रहते हैं, इस वजह से जो हमारी अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो इंक्रीज होती है और वो बढ़ जाती है. अमंग द पीपल इट अक्वेंट्स, अक्वेंट्स यानी परिचित होना. इट अक्वेंट्स अस विथ ईच अदर्स ट्रेडिशन, और इससे हम क्या होते हैं, परिचित होते हैं अलग अलग ट्रेडिशन से, अलग अलग कस्टम से एंड वेज ऑफ लाइफ. वी लर्न टू रिस्पेक्ट ईच अदर्स वे ऑफ लाइफ, हम एक दूसरे के लाइफ का जो जीने का तरीका है उसका एक दूसरे का सम्मान करते हैं. वी इवन एडॉप्ट सर्टन ट्रेडिशंस, हम भी कुछ ट्रेडिशन को एडॉप्ट करते हैं फ्रॉम अदर्स. दिस हेल्प अस टू इंक्रीज द फीलिंग ऑफ यूनिटी, और इसी की वजह से जो एकता की जो भावना है वो बढ़ती है समाज की. दिस सोशल यूनिटी हेल्प अस टू फेस मेनी नेचुरल एंड सोशल कैलामिटीज टुगेदर, और यही जो एकता है हमारे जो नेचुरल और सोशल कैलामिटीज़ होते हैं, सोशल मतलब नेचुरल डिज़ास्टर, जैसे कि कुछ नेचुरल कैलामिटीज़ आते हैं जैसे फ्लड हो चाहे अर्थक्वेक हो, तो इनको एक साथ लड़ने का हमें एक ताकत देती है. ओके, सो दैट इज़ व्हाई डाइवर्सिटी इज़ अवर स्ट्रेंथ. इन नेक्स्ट वीडियो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू नेक्स्ट पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर. थैंक यू.